अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर रियान हूँ। मैं एक हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशन हूँ। मैं आप लोगों से अपने सीक्रेट्स शेयर करती हूँ एज ए ब्यूटिशन। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जो फेस शाइनर होते हैं हम लोग कौन से यूज़ करते हैं फेस पाउडर बनाने के लिए, और किस तरह से होने चाहिए, और आप किस तरह से चूज़ करोगे। एक और बात ध्यान में रखिएगा, आपने इस तरफ स्टक नहीं होना कि ब्रांड यही वाला लेना है। आपने सिर्फ टेक्स्चर देखना है, जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ आपने बहुत सीखने की कोशिश करनी है। ये मैंने एट्यूड के लिए है, और ये कोई और ब्रांड है, इसका नाम मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसका वाइट कलर है, ये इसका सन किस कलर है येलो सा, और ये वाला इसका मून वाइट है, और ये वाला इसका वाइट है। ठीक है जी, मैं आपको इसका दिखाना शुरू करती हूँ कि ये किस तरह का है। ये इसका थोड़ा सा गिरा हुआ है, ये देखें, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये किस तरह का है। ये देख लें, बिल्कुल ब्लेंडेड फॉर्म में है, और ये बिल्कुल भी इसके चंक्स अलहदा से नज़र नहीं आ रहे, और बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे आपने लगाया है तो उसी वक्त ये ब्लेंड हो गया है। ठीक है ना, ये देखें ब्लेंडेड फॉर्म में है, ये बिल्कुल ब्लेंड हुआ हुआ नज़र आता है। ये चीज़ आपने देखनी है, ये देखें, ये पिंक कलर है। आपने अब ये देखना है कि कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है, और किस तरह से आपने चूज़ करना है। इसको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ब्लेंडेड है। ये तीन शेड होते हैं जो आप लोगों को पॉलर में आपके काम आते हैं, एक वाइट, एक येलो शेड, एक पिंकी शेड। ठीक है, आपने ये तीन पॉलर में रखने रखने हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो हो गया एट्यूड के, और ये है बी क्यूट का। इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका कैसा है, चंक कैसे हैं इसके। ये कलर नंबर 5 है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, आपको डिफरेंस खुद ही पता चल रहा होगा। जो बी की उठ का है ना, इसके जो पार्टिकल्स हैं ना, ये काफ़ी उठे उठे वैसे हैं, उभरे उभरे वैसे हैं, चंकी से हैं। ये हम लोग पाउडर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, जब आप बेस बना रहे हों, चाहे आप पाउडर बना रहे हों ब्राइडल का, किसी भी फंक्शन का, आपने उसके अंदर ऐसे शाइनर इस्तेमाल करने हैं, फेस शाइनर जो ब्लेंडेड फॉर्म में हो और जो ऊपर से उभरे हुए नज़र ना आए, जिस तरह से ये बी क्यूट का नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हम आपके फेस पे बाद में यूज़ कर सकते हैं, जैसे नोज़ ब्रिज पे यूज़ कर सकते हैं, उस पर चीक बोन पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ना ये वाला जो बी क्यूट का शाइनर है चंकी सा, ये हम लोग ना तो फेस पाउडर बनाते हुए यूज़ कर सकते हैं, ना ही फाउंडेशन बनाते हुए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने इनका क्या करना है, पाउडर में क्या करते हैं हम लोग ना, ये तीनों कलर मिला के, वाइट भी, येलो भी और पिंक भी मिला के एक ही कलर बना के रख लेते हैं। ये देख लें, ये इस तरह से बनता है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये मीडियम टोन का बन जाता है, स्किनिश टाइप का होता है, ये देखें। फिर आप इसको थोड़ा सा पाउडर में भी डाल लेते हो, लूज़ पाउडर में, आप बेस में भी यही वाला कलर यूज़ कर लेते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना स्वीट टच का, ये वही शेड बन जाता है, सॉफ्ट ग्लो सा, ये देखें। ये आप ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, स्वीट टच का ना ले सकें, तो आप ये ले सकते हो, ये देखें कितना प्यारा ग्लो आ रहा है, और बिल्कुल नेचुरल ग्लो आ रहा है, ऐसे लगेगा जैसे आपका अपनी स्किन शाइन कर रही हो। ठीक है जी, आपने लूज़ पाउडर में भी इसी तरह के फेस पाउडर्स मिलाने हैं, और आपने जब फाउंडेशन बनाते हो उस वक्त भी आपने इसी तरह के, जिसमें चंक्स ना हो, वो वाला आपने हाइलाइटर यूज़ करना है। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, कोई चीज़ अच्छी लग जाए तो मुझे कुछ पढ़ के बख्श दीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मेरा एक और चैनल है व्लॉगिंग चैनल, उसको भी आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उस पर चिट चैट होती रहती है, गपशप चलती रहती है, इस पर तो टू दी पॉइंट बात करनी होती है। ठीक है जी, और किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, और कुछ अच्छा लग जाए तो प्लीज़ पढ़ के बख्श दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।